जन्मदिन मुबारक हो आमिर खान, कयामत से डांगल तक। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान जो आज अपना 53वां जन्मदिन मनाते हैं, शायद एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने एक फिल्म में खुद को सीमित कर दिया है। और यह हमेशा एक फिल्म है जो आमिर के 2016 के परिवार दंगल ने सभी अभिलेखों को तोड़ दिया। बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमान लगाया गया है। उनकी पिछली फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार भी हिट थी। अपने 53वें जन्मदिन पर मिस्टर परफेक्शनिस्ट के जीवन और करियर में अब तक एक सचित्र दृश्य है। आमिर खान एक फिल्मी परिवार की दूसरी पीढ़ी है। उनके पिता फिल्म निर्माता ताहिर हुसैन थे। उनके चाचा नासिर हुसैन एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता भी थे। एक तीसरा चाचा तारिक, यादों की बरसात जिसमें आमिर की एक छोटी भूमिका थी, और हम किरिस से कुम नहीं जैसी फिल्मों में अभिनय किया। आमिर के चचेरे भाई मंसूर खान ने कयामत से कयामत तक से निर्देशन की शुरुआत की। इस फिल्म ने आमिर को स्टारडम के स्ट्रेटोस्फीयर में लॉन्च किया। खान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के वंशज हैं। चाचा नासिर हुसैन की यादों की बरसात 1973 में आमिर ने 8 साल की उम्र में अपनी शुरुआत की। अगले साल वह अपने पिता की फिल्म दोष में दिखाई दिए। उन्होंने केतन मेहता की होली में एक वयस्क अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की। 11 वर्ष देर से आमिर की तारे की भूमिका कयामत से कयामत तक 1988 में थी, जो जूही चावला के सामने थी। बदला और रोमांस की कहानी एक फिल्म थी और आमिर की चॉकलेट बॉय ने उन्हें एक किशोर की मूर्ति दिखाई। गीत पापा के हैं जो बदनाम करे को एक युवा गान का कुछ माना जाता है और आज भी लोकप्रिय है। 1990 में आमिर 4 फिल्मों में दिखाई दिए जिनमें सुपर दिल भी शामिल था, माधुरी दीक्षित के विपरीत। अगले साल आमिर ने रोमांटिक कॉमेडी दिल है मनता नहीं 1991 में पूजा भट्ट के साथ अभिनय किया। 1992 में आमिर ने एक आलसी विद्यालय के रूप में शर्मिंदा किया, जो मंसूर खान की जो जीता वो ही सिकंदर में एक साइकिलिंग चैंपियन के रूप में खुद को फिर से खोजता है। लूसी से द साउंड ऑफ म्यूजिक पर आधारित आमिर की अगली मेगा हिट हम है प्राहिप्य के 1993 ने अपने कयामत से कयामत तक नायिका जूही चावला का सह अभिनय किया। वर्ष 1994 में आमिर और सहर्षी सलमान खान को पंत की कॉमेडी फिल्म इंज अपना अपना में एक साथ दिखाई दिया। अभिनेताओं ने उस फिल्म के बाद एक साथ काम नहीं किया, लेकिन अच्छे दोस्त बने रहे। 1995 में आमिर को पहली बार मनीषा कोयराला के सामने अकेले हम अकेले टूम में देखा गया, जो कि हॉलीवुड के प्रसिद्ध क्रेमर बनाम क्रेमा। 1995 में राम गोपाल वर्मा के रंगीला में उभरती स्टार उर्मिला मातोंडकर के सामने आमिर की पिच परफॉर्मेंस के लिए प्रशंसा और उच्च प्रशंसा की गई, लेकिन एक तारकीय प्रदर्शन के बावजूद वह शाहरुख खान दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए फिल्मफेयर अवार्ड हार गए। ऐसा तब था जब अभिनेता ने सभी लोकप्रिय पुरस्कारों का बहिष्कार करने का फैसला किया। फिर राजा हिंदुस्तानी 1996 से शुरू होने वाले अभिनेता के लिए सुपरहिट फिल्मों की एक श्रृंखला आ गई, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और इकट्ठा नहीं किया गया मिला। इसके बाद 1997 में इश्क ने सह अभिनीत जूही चावला, काजोल और अजय देवगन और गुलाम रानी मुखर्जी 1998 के सामने सरफरोश 1999 सह अभिनीत सोनाली बेंद्रे और नसीरुद्दीन शाह ने उन्हें और अधिक महत्वपूर्ण प्रशंसा की। आमिर के जीवन में एक और ऐतिहासिक वर्ष था 2001, जब अभिनेता लगान के साथ निर्माता बन गया। यह सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली तीसरी हिंदी फिल्म बन गई है। फिल्म ने 7 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। इसके अलावा आमिर को अपनी दूसरी फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला।
लगान का पालन करने के लिए कड़ी मेहनत थी, लेकिन उसी साल आमिर ने टोपी से एक और खरगोश को खींचा। फरहान अख्तर की प्रशंसित लिखित और निर्देशन वाली पहली फिल्म में दिल चाहता है आमिर ने 4 साल का ब्रेक तोड़ दिया और खराब प्राप्त मंगल पांडे द राइजिंग 2005 के साथ वापसी की। 2006 में रंग दे बसंती की सफलता से मंगल पांडे की आवाज को जल्द ही मिटा दिया गया, जिसने आमिर को फिल्म अभिनेता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी प्राप्त किया। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भी चुना गया था, लेकिन नामांकित व्यक्ति के रूप में चयन नहीं किया गया था। बाफ्टा पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकन मिला। उसी साल आमिर भी अपनी वापसी फिल्म फना में अभिनेत्री काजोल के साथ दिखाई दी। आमिर ने 2007 में गर्मी से प्रशंसित तारे जमीन पार के निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने 2 फिल्मफेयर अवार्ड और परिवार कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। 2008 में आमिर गजनी में एक ही नाम की तमिल फिल्म की हिंदी रीमेक में देखी गई थी। यह एक बड़ी सफलता थी और उस वर्ष की सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्म बन गई। 209 में 3 इडियट्स आए, जिसने उस वर्ष के सभी पुरस्कारों को बहला, जिसमें 3 राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल थे। यह बॉक्स ऑफिस चार्ट पर 4 साल के लिए उच्चतम कमाई वाली बॉलीवुड फिल्म पर शासन किया। 2010 में आमिर ने किसानों की आत्महत्याओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ मीडिया उन्माद की एक प्रशंसित पिपली लाइव का निर्माण किया। 2011 में उन्होंने अपनी पत्नी किरण की धोबी घाट, जिसमें उन्होंने अभिनय किया, और दिल्ली बेली का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने एक कैमियो उपस्थिति बनाया। आमिर ने 2012 को एक धमाके के साथ समाप्त कर दिया, जिसमें रानी मुखर्जी और करीना कपूर के साथ सुपर सिक्सेंस थरेला तलिश में एक पुलिस वाले खेल रहे थे। जैसा कि कैरायन 2013 सेकंड 2014 में बदल गया। ब्लॉकबस्टर धूम 3 ने कैटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के सह अभिनीत आमिर ने अपने 3 इडियट्स रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त करने के लिए चार्ट के शीर्ष पर पीछे रखा। 2014 में आमिर ने अपनी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म पीके के साथ सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें उन्होंने एक विदेशी की भूमिका निभाई। धरती पर अनारक्षित नकली गोदामों को आलोचना और अंधविश्वास, इस फिल्म की कई धार्मिक संगठनों ने आलोचना की थी और आमिर ने कहा कि फिल्म का मतलब भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा था। हालांकि यह कहना उचित नहीं होगा कि 2015 में अमिताभ की फिल्मों में श्री पूर्णतावादी के लिए जोया अख्तर की दिल धड़कने 2 में प्लूटो मेहरा के पीछे की आवाज थी। प्लूटो मूवी में मेहरा परिवार के स्वामित्व वाले पालतू बैल स्टॉस्टिफ था। 2016 में नितेश तिवारी के डांगल में आमिर को देखा गया था। यह फिल्म पहलवान महावीर फोगट और उनकी बेटियों के जीवन पर आधारित थी। लले जाने वाले पहलवान गीता और बबीता फिल्म ने सभी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए और आमिर ने फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का पुरस्कार अर्जित किया। 2017 के सीक्रेट सुपरस्टार जैरा वासीम द्वारा निर्देशित बॉक्स ऑफिस पर भी एक हिट था। दंगल और गुप्त सुपरस्टार दोनों ने चीन में भी रिलीज किया और शानदार व्यवसाय किया। आमिर ने खानों की अगली पीढ़ी, उनके भतीजे इमरान को 2008 की रोमांटिक कॉमेडी जाने टू या जाने नामे लॉन्च किया। इमरान खान को आमिर के उत्पादित दिल्ली बेली 2011 में फिर से देखा गया था। 2012 में आमिर ने अपने ग्राउंड ब्रेकिंग टेलीविजन श्रृंखला सत्यमेव जयते के साथ एक उच्च नोट भी जताया, जो भारतीय समाज में समस्याओं और समस्याओं से निपटा था। शो जिसमें से 3 सत्रों ने अभी तक प्रसारित किया है ने महिला भेदभाव, यौन उत्पीड़न और विकलांगता जैसे मुद्दों पर चर्चा की है।
आमिर खान के छोटे भाई फैसल ने बॉलीवुड में अपना भाग्य भी लगाया और पहली बार उनके पिता ताहिर हुसैन ने 1994 में फ्लॉप फिल्म मधुद में लॉन्च किया। 6 साल बाद फैसल भाई आमिर को मेला 2000 में दिखाई दिया, यह भी एक फ्लॉप था। तब से फैसल के करियर को एक अभिनेता के रूप में सीमित किया गया था, जो कुछ भूल भी ग्रेड फिल्मों और कुछ टीवी भूमिकाओं तक सीमित था। अपने भाई के साथ आमिर का एक बार घनिष्ठ संबंध रॉकथाल पर था, जब फैसल को स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था। उसने अपने भाई को अपने हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। हालांकि दोनों अब 2010 में उनके पिता ताहिर हुसैन की मौत के बाद से अपने रिश्ते की मरम्मत के लिए माना जाता है। 2003 में आमिर खान ने पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण भी हासिल किया था। एक किशोरी की मूर्ति के रूप में आमिर खान ने महिला के दिलों की सेना को तोड़ दिया, जब उन्हें पता चला कि कयामत से कयामत तो के राज पहले से ही विवाहित हो चुके हैं। आमिर और बचपन की प्रिया रीना दत्ता के दो बेटे जुनेद और बेटी ईरा है। जोड़े तलाक 2002 में तलाक। इन 2005 आमिर की शादी किरण राव से हुई, जिन्होंने लगान की फिल्म अंकन के दौरान निर्देशक आशुतोष गोवारीकर की सहायता की। आमिर और किरण के बेटे आजाद दिसंबर 2011 में सरोगेट के माध्यम से पैदा हुए थे। इस साल आमिर के थग्स ऑफ हिंदुस्तान में अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ और फातिमा साना शेख को अभिनीत किया जाएगा। यहां आमिर को एक बहुत ही खुश जन्मदिन की इच्छा थी।